सब्सक्राइब कीजिए पासी चैंप चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को लेटेस्ट मेडिकल टॉपिक सबसे पहले देखने के लिए। सो गाइज, आज डिस्कस करेंगे डेवरी 10 mg की टैबलेट के बारे में कि इस टैबलेट को यूजली हम लोग किस कंडीशन में और किन पेशेंट्स को प्रेस्क्राइब करते हैं, इस टैबलेट का यूज़ क्या होता है, कैसे ये काम करती है, इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या है, इसके कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, किन लोगों को ये टैबलेट नहीं लेनी चाहिए, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस टैबलेट के रिगार्डिंग इसी वीडियो में मिलेगी। तो वेलकम बैक गाइस टू पासी चैम चैलेंज, और बिना किसी डिले के आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, जो डेवरी 10 mg की टैबलेट है, इसका अगर मैं आपको इंट्रोडक्शन दूं तो इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है मेड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन एसीटेट, जो कि आपको 10 mg में मिलता है। बात करें इसके प्राइस रेट की, तो ये आपको 58 रुपीज़ की 10 टैबलेट्स मिल जाती है। आगे बात करें इसके सब्सिट्यूट की, तो फेमस सब्सिट्यूट है मैप्रेट 10 mg, और ये आपको 50 रुपीज़ के अराउंड मिल जाएगा। आगे बात करें कि इस टैबलेट को लेने पर आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत होती है कि नहीं, तो गाइज़ देखिए, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये शेड्यूल एच की टैबलेट होती है। आगे बात करते हैं इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट के बारे में, मतलब कि मेड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन एसीटेट के बारे में। तो गाइज, ये एक सिंथेटिक प्रोजेस्ट्रॉन होता है, मतलब कि जो फीमेल का हार्मोन होता है प्रोजेस्ट्रॉन, ये इसकी तरह ही काम करता है। बात करें इसके वर्किंग की, मतलब कि मोड ऑफ एक्शन की, तो गाइज, जो फीमेल का नेचुरल हार्मोन होता है प्रोजेस्ट्रॉन, जो कि पीरियड्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है और प्रेगनेंसी के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो ये ऐसी कंडीशन में ही यूज़ की जाती है। बात करें इस टैबलेट की कि ये टैबलेट क्या चीज़ है, तो ये एक हार्मोनल पिल है। ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि ये एक सिंथेटिक प्रोजेस्ट्रॉन है, और प्रोजेस्ट्रॉन एक प्रकार का हार्मोन होता है, तो ये जो टैबलेट है ये एक हार्मोनल पिल है, जिसका यूज़ हैवी ब्लीडिंग को ट्रीट करने के लिए, या फिर एज ए बर्थ कंट्रोल पिल के रूप में, या फिर इसका यूज़ पीरियड्स को जल्दी लाने के लिए, पीरियड्स को डिले करने के लिए, या फिर एमनोरिया की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए होता है। ब्रेस्ट कैंसर में भी इसकी हैवी डोज दी जाती है, तो ऐसी काफ़ी सारी कंडीशन है जहां पर इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। कई लोग कई बारी इस टैबलेट के रिगार्डिंग काफ़ी पजल हो जाते हैं कि इस टैबलेट को लोग पीरियड्स को लाने के लिए भी प्रेस्क्राइब कर रहे हैं, और इस टैबलेट का यूज़ पीरियड्स को डिले करने के लिए भी कर रहे हैं। तो गाइज़ देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो टैबलेट है ये कोई ड्रग नहीं है। एंटी हाइपरटेंसिव जैसी ड्रग, जो कि ब्लड प्रेशर को कम करती है, या फिर आप कोई पेन किलर का भी एग्जांपल ले सकते हो, पेन किलर दर्द को कम करेगी, वो ड्रग्स हैं। लेकिन ये एक हार्मोनल पिल है, और हार्मोनल पिल के काफ़ी सारे काम होते हैं शरीर में। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे डेवरी 10 mg के टैबलेट को लेकर आपके पीरियड्स को जल्दी ला सकते हो। तो यूजली जो पीरियड्स लाने की जल्दी बात होती है, अगर आपकी एज 16 साल से 45 साल के बीच में है, और अगर आपके पैल्विक रीजन में किसी प्रकार की एबनॉर्मेलिटी नहीं है, आपका थायराइड ग्लैंड प्रॉपरली काम कर रहा है, आपको PCOD PCOS की प्रॉब्लम नहीं है, और आपकी फैमिली हिस्ट्री अगर क्लियर है, अगर फैमिली में किसी को ओवरियन सिस्ट ब्रेस्ट कैंसर की प्रॉब्लम नहीं है, BP शुगर थायराइड, या फिर आपको एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन या किसी प्रकार की कोई मेडिसिन नहीं चल रही, और एज ए हार्मोनल इशू के कारण आपको आपके पीरियड्स मिस हुए हैं, तो आप इस टैबलेट को दिन में 2 बार खाना खाने के बाद पानी के साथ 5 दिन तक अगर आप लेते हो, तो आपके पीरियड्स विद इन 10 डेज आ जाते हैं। ओके, तो ये तो बात थी इस टैबलेट के यूजेस की। आगे बात करते हैं कि इस टैबलेट को लेने पर आपको कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। तो गाइज, यूजली इस टैबलेट के शॉर्ट टाइम पीरियड यूज़ से बहुत ही कम साइड इफ़ेक्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे नोजिया, वोमिटिंग, लाइट एब्डोमन पेन, ये कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि अपने आप सबसाइड हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इस टैबलेट का यूज़ काफ़ी लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए करते हो, तो आपको काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे हेडेक होना, डिजीनेस होना, वेट गेन होना, PCOD की प्रॉब्लम हो जाती है, फेस पर बाल आ जाते हैं, माइग्रेन लाइक हेडेक होता है, कई बारी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर जो आपका पीरियड साइकिल आएगा उसमें आपको हैवी ब्लीडिंग, लाइट ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। ठीक है, थायराइड ग्लैंड भी प्रॉपरली काम नहीं करता है अगर आप इस टैबलेट का यूज़ काफ़ी लंबे टाइम पीरियड के लिए करते हो। तो ये तो बात थी इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। आगे बात करते हैं
कि इस टैबलेट को किन लोगों को नहीं लेना चाहिए। तो गाइस देखिए, ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि अगर आप एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं तो आपने इस टैबलेट को नहीं लेना, अगर आप कंसीव करने की तैयारी कर रहे हो या फिर आप एक प्रेग्नेंट वूमेन हैं तब भी आपने इस टैबलेट को नहीं लेना है, अगर आपको बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन चल रही है या फिर कोई स्टेरॉइड थेरेपी पर हैं आप या फिर आपको कोई एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन चल रही है तो भी आपने इस टैबलेट को नहीं लेना, या फिर अगर आपको कोई एंटी फंगल मेडिसिन चल रही है इट्राकोनाजोल या फिर ग्राइसियोफुलविन तो भी आपने इस टैबलेट को यूज़ नहीं करना है, ठीक है। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में अगर आपकी मदर को, सिस्टर को PCOS, PCOD की प्रॉब्लम है, ब्रेस्ट कैंसर की प्रॉब्लम है, ठीक है, या फिर यूट्रस में फाइब्रॉइड्स हैं तो भी आपने इस टैबलेट को नहीं लेना है, आपने किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना है उसके बाद आप इस टैबलेट को ले सकते हो। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल और बेनिफिट रखती होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो गाइज, मुझे आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट।